पिछले एक महीने में जब शेयर बाजार में बिकवाली का जबरदस्त माहौल था, उस समय एक ऐसा शेयर था जो अपने निवेशकों के पैसों को डबल कर रहा था। मैं बात कर रहा हूँ लिबर्टी शूज की। जी हाँ, अगर 9 सितंबर 2022 की बात की जाए, यानी लगभग करीब एक महीने पहले की बात की जाए, तो ये जो शेयर था वो करीब 175 रुपये के भाव पर था। लेकिन अचानक से ये जो शेयर है एकदम से रॉकेट बन गया। इसमें इतनी तेज़ी और इतना उछाल दिखा गया कि निवेशक भी हैरान हो गए। और मौजूदा वक्त में जब मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसका जो भाव है वो 402 रुपये पर है। अब अगर मैं आपको एक आसान तरीके से समझाऊं कि अगर आपने इस पे एक महीने पहले 1 लाख रुपये लगाए होते, तो अब तक वो करीब 2,22,000 रुपये हो गए होते। यानी कि एक महीने की अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से रिटर्न की बात करूं, तो 129% का इस शेयर ने रिटर्न दिया है। वहीं इस साल की शुरुआत से अब तक की बात की जाए, तो 151% का इस शेयर ने रिटर्न दिया है। तो ये बात हुई लिबर्टी शूज़ के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, कि पिछले एक महीने में इसकी परफॉर्मेंस क्या रही और इस साल की शुरुआत में अब तक का इसने कितना प्रतिशत रिटर्न दिया। लेकिन अब नज़र रखने की ज़रूरत है इसके कॉम्पिटिटर्स पे, यानी कि बाटा इंडिया हो गया, या फिर रिलैक्स हो गया, या फिर कैंपस हो गए, वो किस तरीके से उसके शेयरों में किस तरह का उछाल या फिर गिरावट देखी जा रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाटा इंडिया की। तो बाटा इंडिया की बात करें तो उसके शेयर में करीब एक महीने में 5% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं रिलैक्सो की बात की जाए, तो जो रिलैक्सो का शेयर है वो 2.22% की वहाँ पर भी गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन जो कैंपस है, कैंपस के शेयर में मैं आपको बताऊं करीब 12% की तेज़ी दर्ज की गई है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि कॉम्पिटिटर्स की परफॉर्मेंस कैसी रही है। लेकिन इस हिसाब से देखा जाए तो जो लिबर्टी शूज़ है वो इस मामले में सबसे आगे निकल कर सामने आया है। तो देखिए, हमने दो पहलू पे बात करी। पहला कि लिबर्टी शूज़ का जो स्टॉक है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, और दूसरी बात कि आखिर उसके कॉम्पिटिटर की स्थिति कैसी है, कि भाई उनका जो स्टॉक है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब बात करते हैं कि इस स्टॉक में इतनी तेज़ी कैसे देखी गई, इसके पीछे का कारण क्या है। तो नज़र डालते हैं रिजल्ट के ऊपर। तो जब आप रिजल्ट को देखेंगे, मैं मार्च क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, ईयर ऑन ईयर बेसिस, वाई ऑन वाई बेसिस पर, तो आप देखेंगे कि कंपनी ने 3 करोड़ के नुकसान के सामने 5.5 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि करीब 1200% का प्रॉफिट दर्ज किया है। और इसी से लगता है, पता चलता है कि जो निवेशक हैं वो इसके प्रॉफिट पे, इसके रिजल्ट्स पर बुलिश हैं। आइए हम आपको सुनाते हैं शेयर इंडिया के जो हेड ऑफ रिसर्च हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं, रवि सिंह का क्या कहना है। यहाँ पर इंडस्ट्री की डिमांड आफ्टर कोविड, जो इंडस्ट्री की डिमांड है वो काफ़ी बड़ी देखने को मिल रही है, और इनफैक्ट पूरी फुटवेयर इंडस्ट्री में एक पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पर बनता हुआ नज़र आया है। ओवरऑल इस समय चूंकि सरकार ने जो पॉलिसीज की हैं उसकी वजह से भी कंपनी को सपोर्ट मिल रहा है, बाहर से एक्सपोर्ट फुटवेयर डिमांड भी यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आई है, और इस समय कंपनी के सेल्स और एबिटा की ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिली है, जिसकी वजह से ये तेज़ी का ट्रेंड यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब आपने यहाँ पर जान लिया कि भाई कंपनी के शेयर में इतनी तेज़ी कैसे देखी गई। अब यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि एक्सपर्ट मार्केट एनालिस्ट की क्या राय है इस शेयर के ऊपर, कि भाई इसको बाय करना चाहिए या फिर इसको सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कहते हैं। तो देखिए, टिप्स टू ट्रेड के अभिजीत का कहना है कि जब ज़्यादातर स्टॉक ग्लोबल इन्फ्लेशन के चलते उनमें गिरावट दर्ज की जा रही थी, तो वहीं कुछ ऐसे स्टॉक थे जिन पर इस जो इन्फ्लेशन का असर नहीं देखा जा रहा था। तो उनमें से एक है लिबर्टी शूज़, जो फंडामेंटली और टेक्निकली ये जो स्टॉक है उन्होंने जो बताया कि ये ओवर वैल्यूड है। उन्होंने इस शेयर पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी है, और साथ ही री एंट्री की जब बात की जाए तो उन्होंने इस स्टॉक का जो टारगेट है वो 250 से 272 लेवल का रखा है। तो ये तो बात हुई टिप्स टू ट्रेड की। अब आइए जानते हैं कि जो रवि सिंह हैं, जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, मैंने आपको बताया, उनकी क्या प्रतिक्रिया है इसके ऊपर, वो इस शेयर को कैसे देखते हैं। अगर देखा जाए तो फंडामेंटल भी यहाँ पर ये स्टॉक स्ट्रांग हुआ है, साथ ही टेक्निकली जो लेवल लोग यूज़ करते हैं उस पर भी स्ट्रांग होता हुआ नज़र आया है, और इसी वजह से अब जो लिबर्टी का टारगेट है वो लगभग 420 और 430 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। ओवरऑल ये स्टॉक काफ़ी अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस दे रहा है। तो आपने शेयर पर मिली जुली प्रतिक्रिया सुन ली। अब अगर इसके कारोबार की बात की जाए तो मैं आपको बताऊं, लिबर्टी शूज़ मौजूदा वक्त में एक दिन में 50,000 शू बनाने की क्षमता रखता है। वहीं अगर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की बात की जाए तो इसके 10 ब्रांड जो हैं वो ये कंपनी बनाती है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कंपनी की ग्रोथ, और साथ ही जो स्टॉक है उसकी ग्रोथ कैसी रहेगी, ये हम आपको आगे बताते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। इसी तरह की बिजनेस से जुड़ी हर एक अपडेट को देखने के लिए, समझने के लिए देखते रहिए बिजनेस टुडे। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।